हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न धार्मिक, पौराणिक, तीर्थ स्थलों तथा ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन करवाते आए हैं। इसी श्रृंखला में आज भी हम आपको ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां प्रतिदिन भक्तों की सिर्फ मनोकामनाएं ही पूर्ण नहीं होती बल्कि उनके दुखों की भी सुनवाई होती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर अर्थात नारियल वाले हनुमान जी मंदिर की। भक्तों, विश्व में मारुति नंदन राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी के बहुत से मंदिर हैं जो वर्षों से असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिर है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्टेशन रोड पर तिलक मार्केट में स्थित केसरी नंदन हनुमान जी मंदिर, जो कि वर्षों से असंख्य नारियल की तोरणों से पटा होने के कारण अब नारियल वाले हनुमान जी मंदिर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। ये अयोध्या के बाद द्वितीय पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है जहाँ लोग अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। यहाँ अर्जियाँ जो लिख के हैं मतलब मन्नतें अपनी जो भी, तो उसके बाद उनकी जो अर्जियाँ पूरी होती है उसके फलस्वरूप यहाँ नारियल आप देखेंगे लाखों की संख्या में, जिसकी गिनती नहीं है। इतने नारियल हो गए भक्त द्वारा अपनी मन्नत के बाद यहाँ पर लाके अपनी नारियल की माला बांधते हैं। और यह मंदिर जो है कि विशेषता यह है कि ये अयोध्या के बाद तो द्वितीय पूर्वमुखी यानी बाल रूप में हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। मंदिर शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित होने के कारण मंदिर के बाहर ही भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें हैं जहां से श्रद्धालु बजरंग बली को अर्पित करने के लिए भोग व अन्य पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। हनुमान जी के इस अलौकिक रूप के दर्शन करने हर रोज अनगिनत भक्त दूर दूर से आते हैं। जहां विराजित बजरंग बली की प्रतिमा की एक खासियत ये भी है कि सामान्यतः हनुमान जी के सभी मंदिरों में उनकी प्रतिमा दक्षिणमुखी होती है, किंतु अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद ये दूसरा ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा पूर्वमुखी होते हुए बजरंग बली बाल रूप में विराजमान है, जिसमें प्रतिमा के रूप में सिर्फ हनुमान जी के मुख के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि मंदिर हजारों साल पुराना है। ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर है, ये अयोध्या के बाद दूसरा पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है। इसकी आस्था लोगों के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती है। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं, ये नारियल वाले हनुमान मंदिर के नाम से भी फेमस है। यहाँ पे आपको गेट के एंट्रेंस से लेके गेट के आउट गेट तक पूरे नारियल से भरा हुआ मंदिर दिखाई देगा। लेकिन ये विशेषता है कि ऐसा तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी ना मेरे पिताजी ने ना दादा ने किसी ने नहीं बताया, और भी अन्य कई भक्त, कई साधु संत महात्मा इस मंदिर में पधारते हैं, उन्होंने ही नहीं बताया। ये बोलते हैं अद्भुत मंदिर है, यहाँ पर बहुत मन को शांति मिलती है। और विशेषता ये है कि कुबेर यंत्र के अंदर, ऐसा तो कोई मंदिर मैंने नहीं सुना कि कुबेर यंत्र है, उसके अंदर भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम और बाल रूप में हनुमान जी विराजमान है। और आप देखेंगे बाल रूप मतलब जलेहरी, जलेहरी मतलब शिवपिंडी, शिवपिंडी मतलब उनके मतलब शंकर स्वयं केसरी नंदन भाव, ऐसे हैं हमारे। मंदिर की एक खासियत यहाँ का गर्भगृह भी है जो कि कुबेर यंत्र के रूप में बना है, जिसके एक कोने पर पंचमुखी हनुमान जी का गरुड़ रूप, दूसरे कोने पर वराह रूप, तीसरे कोने पर नरसिंह रूप व चौथे कोने पर अश्वरूप विराजित है, एवं बीच में नीचे की ओर हनुमान जी एक कुंड में पूर्वमुखी होकर विराजमान है, एवं इनके साथ ही इनके आराध्य भगवान श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ राम दरबार के रूप में विराजित हैं। वहीं ऊपर की ओर सूर्य देव की प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। ठाकुर जी महाराज भी यहीं विराजित हैं।
श्रद्धालु यहाँ हनुमान जी का एवं राम दरबार का दर्शन पूजन कर अपनी अर्जी हनुमान जी को अर्पित करते हैं। केसरी नंदन के इस मंदिर की बहुत सी अनोखी विशेषताएं हैं, जिसके कारण ये मंदिर जाने कितने वर्षों से लाखों भक्तों के श्रद्धा एवं विश्वास का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम गौरी शंकर पुत्र गणेश जी के दर्शन होते हैं। इनके पश्चात भक्त हनुमान जी एवं राम दरबार के दर्शन करने के साथ ही यहाँ विराजमान भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ शनि देव की भी प्रतिमा विराजमान है, जहाँ भक्तों द्वारा शनिवार एवं मंगलवार तेल चढ़ाया जाता है एवं दिए जलाए जाते हैं। यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। केसरी नंदन मंदिर का ये परिसर सीमेंट या पत्थर की दीवारों या टाइल्स के फर्श से नहीं बना, अपितु यहाँ हनुमान जी को शुक्राना के रूप में भक्तों द्वारा बांधे गए नारियल की दीवारें हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नारियल की झालर ही बंधनवार के रूप में लगी हुई हैं। गर्भगृह की दीवारें बहुत ही सुंदर रंगों से लिखे गए श्री राम नाम से सुशोभित होती हैं। नारियल से ढकी हुई दीवारों के बीच अगर थोड़ा भी स्थान बचता है तो वो स्थान हनुमान जी की आत्मा श्री राम के नाम से सजा हुआ है। बजरंग बली के इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ हनुमान जी अपने भक्तों की सुनवाई करते हैं। कहा जाता है कि लोग शासन प्रशासन से ज्यादा अपनी समस्या को लेकर भगवान के भरोसे होते हैं। भक्तों की ये भावना और आस्था है कि वे भगवान को लिखित शिकायत दर्ज करते हैं, उनकी इस दरबार में सुनवाई होती है। इस बात का उदाहरण है नियमित रूप से आने वाले हजार आवेदन पत्र, जिनके अनुसार यहाँ आने वाले भक्त किसी भी दिन, विशेषकर हर मंगलवार, शनिवार एवं हनुमान जयंती पर अपनी अपनी समस्याओं को मंदिर से प्राप्त हनुमान जी का नाम लिखे एक पर्चे में लिखकर उसके ऊपर सिंदूर से जय श्री राम लिखकर आवेदन स्वरूप मारुति नंदन के चरणों में समर्पित कर देते हैं। दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमें इसलिए जानकारी लगती है क्योंकि यहाँ एक हाजी रजिस्टर रखा हुआ है, जहाँ से लोग आते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और भी अन्य बहुत सी जगहों से आते हैं, जो हमको इस रजिस्टर में देखने को मिलता है। और यहाँ भक्त लोग आते हैं, उनकी जब मन्नतें पूरी होती है तो उन्हें एक हाजिरी, एक रजिस्टर तो है कि हम फलाने समय में आए थे, हमने एंट्री किए तो भैया, और हम यहाँ मन्नत के लिए अपना नारियल बांधे थे एवं अर्जी लगाए थे। तो आज हमारे को शादी नहीं हो रही थी तो आज हमारी शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चे हुए हैं, और भी अन्य नौकरी, कोर्ट कचहरी, जो भी उनकी समस्या है, बहुत सी समस्या तो बहुत है जीवन में, लेकिन हमें भक्त लोग बताते हैं जब हमें जानकारी होती है कि इतनी समस्या भी हनुमान जी यहाँ सुनते हैं। जैसे शासन प्रशासन में जनसुनवाई होती है, यहाँ पर सेम जनता की जनसुनवाई भगवान श्री हनुमान जी करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। अर्जी लगाने के साथ ही मंदिर में स्थित रजिस्टर में श्रद्धालु अपना नाम, आने एवं जाने का समय भी लिखते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की लिखी लाखों अर्जियों को संभाल कर रखा जाता है। ना उन्हें किसी को पढ़ने की अनुमति है और ना ही इन्हें किसी भी तरह से नष्ट किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि अंजनी पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी के इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं बजरंग बली अवश्य पूरी करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त यहां आकर अपनी श्रद्धा या संकल्प के अनुसार बजरंग बली को नारियल अर्पित करते हैं। इस नारियल को यहां फोड़ कर नहीं बल्कि परिसर में ही कहीं बांध दिया जाता है। कोई एक, कोई पांच तो कोई 101 नारियल यहां बांधता है। सिर्फ छिंदवाड़ा के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से और विदेशों में भी रह रहे लोग यहां आकर नारियल बांधते हैं तथा भंडारा करके जाते हैं। इसी कारण इस मंदिर की छत, हर दीवार, हर स्तंभ, हर कोना पुराने से पुराने
अनगिनत नारियलों से पटा हुआ है, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्षों से बजरंग बली के इस दरबार में अर्जी लगाने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है। भक्तों, हनुमान जी के इस मंदिर के पट दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं तथा यहां आरती का समय सुबह 5:30 बजे तथा रात 8:30 बजे का है। अतः आप जब भी यहां दर्शन के लिए जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। नारियल वाले हनुमान जी के इस पवित्र स्थल पर वैसे तो सभी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, किंतु हनुमान जयंती के दिन इस मंदिर में विशेष भीड़ होती है। राम नवमी के पर्व पर भी इस मंदिर की छटा दर्शनीय होती है। भक्तों एवं यात्रा प्रेमी बंधुओं, अगर आप केसरी नंदन हनुमान मंदिर अर्थात नारियल वाले हनुमान जी मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त छिंदवाड़ा स्थित जाम सावली हनुमान मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर, कपूरदा माता मंदिर, राधा देवी मंदिर, अनहोनी, अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग, सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, बंजारी माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, कोसमी हनुमान मंदिर, खेड़ापति मंदिर, शिव मंदिर, भरता देव मंदिर, पाताल कोट, छोटा महादेव गुफा, आदिवासी संग्रहालय, देवगढ़ किला, लिलाही वाटरफॉल्स आदि स्थानों को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप केसरी नंदन हनुमान जी मंदिर दर्शन के लिए वर्ष में कभी भी जा सकते हैं, फिर भी नवंबर से अप्रैल का समय यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। भक्तों, आप छिंदवाड़ा स्थित केसरी नंदन हनुमान जी मंदिर दर्शन की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नारियल वाले हनुमान जी मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा नागपुर है। इसके अतिरिक्त भोपाल या जबलपुर हवाई अड्डा भी एक विकल्प है। अगर आप केसरी नंदन नारियल वाले हनुमान जी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा जंक्शन है, जो देश के विभिन्न मुख्य नगरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से कैब या बस के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप निजी या सरकारी वाहन द्वारा सड़क मार्ग से छिंदवाड़ा के हनुमान जी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो भी ये शहर देश के विभिन्न मुख्य नगरों से सड़क मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, इसलिए आप आसानी से केसरी नंदन मंदिर की यात्रा कभी भी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपकी भी कोई अर्जी है जो आप केसरी नंदन नारियल वाले हनुमान जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने बजट व क्षमता अनुसार अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री राम, जय श्री हनुमान के जय घोष के साथ यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।